मध्य प्रदेश में नौ तपे की भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 48.7 डिग्री तक दर्ज किया गया। जानिए कैसे इस प्रचंड गर्मी से बचे और क्या है ताजा मौसम के हालात। नौ तपे के तीसरे दिन मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 48.7 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और 29 से ज्यादा जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। निवाड़ी में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि पिछले 20 सालों में पहली बार तापमान इतना बड़ा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। सोमवार को बैतूल, धार, खंडवा, भोपाल, रतलाम, खरगोन, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, दमोह और निवाड़ी सहित प्रदेश के अधिकतम जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहेगा। कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जितना हो सके दिन के वक्त घर से बाहर न निकलें। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें और खूब पिएं पानी। बाहर जाने से पहले कुछ खा लें और लिक्विड का सेवन करें। आम पन्ना, गन्ने का जूस, मौसमी फल का और पानी का सेवन जरूर करें। गर्मी से तुरंत आने के बाद ठंडी चीजों का सेवन ना करें और नहाने से बचें। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे में हीट वेव की संभावना बनी रहेगी। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। भोपाल में 44 डिग्री, इंदौर में 41.9 डिग्री, खरगोन में 44.8 डिग्री, पचमढ़ी में 47.8 डिग्री, खंडवा में 45.1 डिग्री, नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री, बैतूल में 44.0 डिग्री, धार में 42.3 डिग्री, गुना में 47.2 डिग्री, ग्वालियर में 46.7 डिग्री, रायसेन में 44.6 डिग्री, रतलाम में 43 डिग्री, शिवपुरी में 40 डिग्री, दतिया में 47.4 डिग्री, उज्जैन में 43.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 43.2 डिग्री, दमोह में 47 डिग्री, जबलपुर में 44.5 डिग्री, खजुराहो में 47.2 डिग्री, मंडला में 44 डिग्री, नरसिंहपुर में 43.4 डिग्री, सतना में 44.7 डिग्री, नौगांव में 45.8 डिग्री, सागर में 46.7 डिग्री, सीधी में 43 डिग्री, उमरिया में 42.2 डिग्री, टीकमगढ़ में 45.5 डिग्री, मलंज खंड में 43.3 डिग्री, सियोनी में 42.8 डिग्री, निवाड़ी में 48.7 डिग्री और रीवा में 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। इस भीषण गर्मी में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। खुद को हाइड्रेट रखें, घर में रहें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।